नमस्कार, वेलकम टू नमिताज गोल्डन किचन। जैसा कि आपको पता है, कभी कभी हम बाहर से आते हैं और घर में कुछ खाना बना नहीं होता और बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है, तो हम सोचते हैं घर में क्या जल्दी से बनाएंगे जो हम क्विक बन जाए और हम खा लें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, मटर के वाइट चावल, जो कि जैसा कि आपको पता है बैचलर्स भी होते हैं, उनको भी क्विक खाने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि आपको 5 मिनट में बन जाएगा और आप आसानी से जल्दी से खाना खा सकते। प्याज पड़ेगा ना कोई लहसुन ना कोई मसाले, सिर्फ गर्म मसाले और नमक से बनाएंगे इसको और आपको बहुत पसंद आएगी। आप देखिए, इसमें हमने ये 1.5 कटोरी चावल ले लिए हैं और ये 1 कटोरी हमने फ्रेश मटर छील के ले लिए और ये है हमारे 2 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला और 1 चम्मच ये नमक। ये देखिए, हमने बासमती चावल ले लिए थे, इसको हमें 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था और ये भीगे हुए चावल हैं, उसका पानी निकाल दिया है। अब ये रेसिपी हम कुकर में बनाएंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने गैस जला के कुकर को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये रिफाइंड में बना रही हूँ। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया, थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा। तो गैस को हम स्लो रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारी फ्रेश मटर के दाने। अभी हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक, इसको थोड़ा कम चला लेंगे। बस अब हमको इतना ही भूनना है। हम इसमें डाल देंगे राइस जो हमने भीगे हुए रखे थे, इसमें भीगे हुए राइस डाल दिए। इसमें राइस डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि राइस में मसाला अच्छे से मिल जाए। गैस को तेज कर देंगे, गैस की फ्लेम तेज कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। अगर आप ये रेसिपी भगोने में बना रहे हैं तो उसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी, क्योंकि जितना चावल होता है भगोने में उसका डबल डालना चाहिए और कुकर में जल्दी पक जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम डालेंगे 2 कटोरी पानी। 1 कटोरी 2 कटोरी पानी डाल के 1.5 कटोरी चावल लिए थे, इसलिए हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाला है। अगर हम इसको भगवान में बनाते तो हम उसमें पानी डालते 3 कटोरी। अब हम इसको बंद कर देंगे, कुकर ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे। इसको हमने बंद कर दिया। देखिए भाई, 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक बार हमने गैस बंद कर दिया है, अब इसकी हम इसको तभी खोलेंगे जब इसकी स्टीम जो है अपने आप रिलीज हो जाएगी। तब तक हम इसे दम रहने देते हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे, हमारा पुलाव तैयार होगा। अगर आपको मेरी पुलाव की रेसिपी कोई रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फिर आपको उसको खोल के दिखाऊंगी 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं और हमारे इसकी स्टीम भी रिलीज हो गई सारी। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारा कितना बढ़िया क्विक मटर पुलाव बना है और हम इसको प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा एकदम चावल खिले खिले बने सारे। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ।